अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र में आर्थिक तंगी से जूझ रही एक 55 साल की महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। दरअसल ये घटना थाना कोतवाली शहर के भुजुपुरा के इस्लाम नगर की है। घर में महिलाओं के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृत्यु का सही कारण जानने के लिए मौके पर FSL टीम को बुलाया, जिसने जांच के लिए नमूने लिए और महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं SSP कलानिधि नैधानी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज देर शाम थाना कोतवाली क्षेत्र से आत्महत्या की सूचना मिली तो इसमें पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय वहां पर 55 साल की एक महिला और उसकी दो बेटियों द्वारा आत्महत्या करने की जो सूचना थी। कल देर शाम थाना कोतवाली नगर के इस्लाम नगर से तीन लोगों के आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो यह पाया कि वहां पर एक महिला नगीना और उसके घर के दो अन्य परिवारजन इनके द्वारा आत्महत्या की गई है किसी विषाक्त पदार्थ को खा करके। मौके पर एक संदिग्ध वस्तु भी वहां पर एक पॉलीथीन में मिली है। वहां पर पुलिस द्वारा सभी प्रदर्श जो हैं वो इकट्ठा करके FSL भेजे गए हैं और साथ ही पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो इलाके के लोग हैं उनका ये कहना है कि उक्त महिला के पति की मृत्यु कई वर्ष पहले हो गई थी और उसकी सेहत जो है इस महिला की वो काफ़ी ख़राब थी, लीवर आदि की उसको समस्याएँ थी। ये सब बातें जो पड़ोसी ने बताई हैं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उपरोक्त कारणों से वह परेशान थी और अवसादग्रस्त था परिवार और इस परिवार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। फिर भी इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए विस्तृत रिपोर्ट आदि प्राप्त होने पर आय की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी के भी द्वारा कोई भी अपराध होने की तहरीर पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं की गई है। पुलिस की जाँच अभी प्रचलित है। फिलहाल किसी के भी द्वारा कोई तहरीर थाने पर प्रस्तुत नहीं की गई है। पुलिस की जांच अभी जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।